और इस वक्त हमारे साथ जिलाधिकारी चंद विजय सिंह जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर बताइए, आज आपने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ऑक्सीजन को लेकर? कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कि मेडिकल कॉलेज और हमारे जितने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन निर्बाध रूप से मिलते हैं, तो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ की लागत से एक ऑक्सीजनेशन प्लांट भी बनवाया है, जिसमें 2000 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का यह रहेगा। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन जो लगभग 15 लाख का होना है, तो उसको निर्माण को लेकर आज स्थलीय निरीक्षण भी किया गया था प्रिंसिपल सीएमएस और XNPWD के साथ में। तो ये लगभग 3 दिन में अभी बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बाद केंद्र सरकार से जो भी मशीनरी आनी है वो भी अपने विजिट करके आगे की कार्रवाई करके जल्दी ही एक प्लांट है इसको क्रियाशील कर देंगे, और मुझे लगता है कि इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सर मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम बात करें महानगरों की स्थिति को देखते हुए, तो जिला प्रशासन ने किस तरीके के प्रबंध किए हुए हैं बेड्स को लेकर, और जो वेंटिलेटर की समस्या आ रही है कहीं ना कहीं, हाँ जी, तो उसको लेकर हमारी क्या तैयारियां हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा 172 बेड तैयार है, उसको भी हम लगभग डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेवाएं ओपीडी या और दूसरी सेवाएं जो कहीं और शिफ्ट हो सकती है जॉइंट हॉस्पिटल शिकोहाबाद में, तो उसको वहाँ शिफ्ट किया जाता है, इससे हमारे बेड भी बढ़ रहे हैं। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोविड का उपचार शुरू कराया जा चुका है, ट्रॉमा सेंटर, होम हॉस्पिटल, यूनिटी हॉस्पिटल। इसके अलावा FH मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी 100 बेड हम लोगों के तैयार हो गए हैं, और वेंटिलेटर की कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हॉस्पिटल की खुद की सप्लाई है ऑक्सीजन की, और वेंटिलेटर हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा मेडिकल कॉलेज में है, उसको भी हम लोग FH मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं। तो और ऑक्सीजन का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई क्राइसिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।